पहाड़ी पर स्थित है मां अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर। दूर दराज से आते हैं श्रद्धालु। बता दें कि राजसमंद जिला मुख्यालय के राजनगर की पहाड़ी पर स्थित राजराजेश्वरी मां अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर में शहरवासी सहित दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि नवरात्रि के दौरान माता के मंदिर में नित्य दुर्गा सप्तशती पाठ और संध्या काल को दुर्गा कवच पाठ के साथ महाआरती का भक्त लाभ उठा रहे हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान मां अन्नपूर्णा माता जी के दर्शन करने मात्र से ही घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और परिवार में सुख समृद्धि के साथ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि मां अन्नपूर्णा के नवमी के दिन यानी बुधवार को महायज्ञ किया जाएगा और संध्या काल को देवी के रूप में कन्या पूजन किया जाएगा और महाप्रसादी का भी आयोजन होगा। इस दौरान मंदिर के पुजारी गोपाल क्षोत्रिय से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि मां अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर लगभग 380 साल पुराना बताया जा रहा है। वहीं राजसमंद झील के स्थापना के साथ ही इस परिसर का निर्माण हुआ था, लेकिन अभी तक किसी को नहीं ज्ञात है कि मां अन्नपूर्णा माता कब से यहां पर विराजमान है। मंदिर का जो स्वरूप जो आपको अभी दिख रहा है वह 380 साल के लगभग राजसमंद झील की स्थापना के साथ ही इस परिसर का निर्माण हुआ। माता जी का जहाँ तक संबंध है तो महाराणा उदय सिंह के काल में भी माता जी यहाँ विराज रहे थे। उसके पहले का इतिहास किसी को ज्ञात नहीं है कि ये मंदिर कब बना, कब का है, उसकी ऐतिहासिक तारीख उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र में अन्न और धन की स्थापना और लोगों में समृद्धि बनी रहे उसके लिए माँ भगवती को इसी रूप में पूजा जाता है कि हमारे इस क्षेत्र में माता की कृपा सदैव बनी रहे और लोगों के जो भाव देखते हैं उनमें यही चीज़ देखते हैं और संतुष्टि भी होती है कि माता अपनी कृपा बना के रखती है। सर कहाँ से आए? मैं कांकुली से आया हूँ जी। वहाँ विगत में 20-25 सालों से माँ अन्नपूर्णा मंदिर में यहाँ आ रहा हूँ और नित्य दोनों नवरात्रि यहीं करता हूँ और उसके अलावा जो संडे होता है महाआरती यहीं करता हूँ और यहाँ भगवती की असीम कृपा है। जो यहाँ मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है और मैंने साक्षात माँ भगवती के इस चमत्कार को देखा है और माँ भगवती की पूरी कृपा है। ये राजनगर की पहाड़ी पर स्थित है, माँ अन्नपूर्णा माता मंदिर है और काफ़ी कृपा है। शुभ नाम बता दीजिए। मुकेश दादी जी। माता का जो स्वरूप आपको जो बाई तरफ थोड़ा झुका हुआ दिख रहा होगा, यह झुका हुआ इसलिए है कि माँ महिषासुर मर्दिनी के रूप में आपको स्थापित किया गया है। महिष का जब वध कर रहे थे माता, उस दौरान जो स्वरूप मैया का था वही स्वरूप आप अभी देख रहे हैं। महिष यानी अपने अज्ञान का नाश करने वाला जो स्वरूप है माता का, पशु रूपी बुद्धि, उस स्वरूप को माता जी में आप इस समय देख रहे हैं, इसलिए वो उस तरह थोड़ा हुआ झुका हुआ है। हाँ, जो शक्ति स्वरूप जो होते हैं माँ के बिल्कुल सम्मुख जाके दर्शन, ऐसे हम लोगों की भावनाएं ऐसे कि हम लोग बिल्कुल सामने जाके दर्शन नहीं करते हैं, इसलिए माता का स्वरूप तो पूर्व में ही है। हम लोग जो दर्शन करते हैं वो अपना मुख उत्तर में रख के माता के दर्शन कर पाते हैं।